फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं BHEL शेयर के बारे में। तो देखिए BHEL में आज 5% देखिए शेयर गिरावट में रहा है। देखिए 29.85 शेयर में आज आपको क्लोजिंग देखने को मिली है। 1.65% शेयर में आज आपको डाउनफॉल देखने को मिला और करीबन 5% शेयर आज टूटा है। तो दोस्तों बात करेंगे पूरी इस वीडियो में कि क्या BHEL यहाँ से फिर बढ़ेगा कि यहाँ से अब शेयर में आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स ये हफ्ता BHEL शेयर के लिए काफ़ी भयानक था, दर्दनाक था। 15% शेयर टूट चुका है एक हफ्ते के अंदर और यहाँ पे आप कह सकते हैं बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पे आ चुकी है शेयर में। अब देखिए क्या हो रहा है शेयर को। सबसे पहले तो देखिए मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है। मार्केट जिस तरीके से इस हफ्ते गिर रहा है वैसे ही देखिए BHEL पे भी दबाव देखने को मिल रहा है। हर रोज़ देखिए गैप डाउन क्लोजिंग गैप डाउन ओपन होता है इसमें और यहाँ पे क्लोजिंग बहुत नीचे होती है। अब देखिए शेयर भी आज अपने दिन के लोएस्ट स्तर पर क्लोज़ हुआ है, करीबन 29.60 जो था इसका लोएस्ट 70 उसके आसपास ही बंद हुआ 29.85। तो आप कह सकते हैं बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है शेयर के अंदर और यहाँ पे देखिए गिरावट अब कंटिन्यू रहेगी कि नहीं वो आपको मैं एंड में बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट और इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखना बाकी है। वैसे यहाँ पे देखिए अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो तो मुझे लगता नहीं है कि देखिए अभी यहाँ पे ट्रेड कोई बनता है क्योंकि देखिए मार्केट जिस तरह से अभी वो आप कह सकते हैं चल रहा है, मार्केट जिस तरीके से गिर रहा है यहाँ पे शेयर में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। देखिए अगर यहाँ पे ये इसने अपना 28 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट तोड़ा तो देखिए 32 के ऊपर जाएगा शेयर फिर तेज़ी देखने को मिलेगी। यहाँ पे शेयर पे देखिए अभी सपोर्ट पे है, आप कह सकते हैं 29 और 28 इम्पोर्टेंट सपोर्ट है शेयर का। पहले भी यहाँ से बहुत बार बाउंस बैक किया है पर यहाँ पे देखिए ये लेवल शूटिंग है तो फिर आपको गिरावट ज़रूर देखने को मिलेगी। फिर वहाँ पर ज़रूर खरीदारी करनी क्योंकि देखिए पहले भी यहाँ पर आया है और यहाँ से जिस तरीके से बढ़ा था वो काफ़ी अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पर आपको कहाँ पहले आपको मैं इस हफ्ते का एनालिसिस बता देता हूँ। देखिए इस हफ्ते में क्या हुआ है, देखिए अभी तक अगर हम देखें तो देखिए 15% जैसे कि मैं आपको बता रहा था शेयर डाउनफॉल जा चुका है और जो देखिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट थे वो टूटे, जो 36-35 का कह सकते हैं इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स थे वो टूटे और यहाँ से गिरावट कंटिन्यू रही है। अब यहाँ पे देखिए ट्रेड काफ़ी कॉशियस हो चुका है। देखिए जिसके पास है उसको अभी होल्ड करना चाहिए, लगता है लेवल्स ज़रूर आएंगे, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन वो ज़रूर आएंगे ये देखिए मेरी गारंटी है। बट यहाँ से आपको देखिए थोड़ा अगर ट्रेड लेना है तो देखिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। इस हफ्ते देखिए ट्रेड नहीं लेंगे तो कुछ नहीं होगा, अगले हफ्ते से मुझे लगता है यहाँ पे ट्रेड लेने की देखिए गुंजाइश होगी। अब शेयर में देखिए कहाँ पे आपको तेज़ी करनी है, कहाँ पे देखिए क्या होगा गिरावट। सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे बाइंग और सेलिंग देख लेते हैं। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे लास्ट मिनट पे क्या आया है, लास्ट मिनट पे थोड़ी सी बाइंग एक्टिव हुई है, जो पूरे दिन स्ट्रॉन्ग सेल चल रही थी उसके बाद यहाँ पे लास्ट मिनट पे थोड़ी सी बाइंग एक्टिव हुई है जो देखिए 7 sell 11 buy तो आप कह सकते हैं मामूली है, ज़्यादा बाय नहीं है। ऑसिलेटर्स ने पहले 1 sell 1 buy दी है पर मूविंग एवरेजेस ने भी यहाँ पे बाय रिकमेंड की है। तो यहाँ पे दोस्तों एक अच्छी बात यह है देखिए स्टॉक के लिए कि यहाँ पे बाइंग एक्टिव है। देखिए बाइंग एक्टिव होना ज़रूरी है, देखिए काफ़ी सेलिंग प्रेशर आ चुका है, देखिए वॉल्यूम ज़्यादा दिख रही होगी आपको लेकिन देखिए वो ज़्यादा अभी सेलिंग की है। तो यहाँ पे देखिए बाइंग यहाँ पे अभी चालू है तो देखिए कल थोड़ा सा आप कह सकते हैं वेट करिए, मैं आपको कह रहा हूँ कल वेट करिए, मंडे को बाय करने का यहाँ पे मुझे लगता है उम्मीद होगी। अब देखिए यहाँ पे मैं जो आपको इम्पोर्टेंट सपोर्ट और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बता देता हूँ आपको बिल्कुल अपने माइंड में फिट रखने हैं कि यहाँ से कहाँ से गिरावट होगी और कहाँ से तेज़ी वापस होगी। तो देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स है, इम्पोर्टेंट जो स्टॉप लॉस है देखिए वो देखिए आज स्टॉप लॉस फर्स्ट तो हिट कर गया शेयर जो 30 का था ये तो हिट कर गया, बट यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसके पास चल रहा है सेकेंड के, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा आप कह सकते हैं वेट करना है। यहाँ पे देखिए अगर ये हिट होगा तो फिर यहाँ से गिरावट होगी, पर यहाँ पे देखिए 27.12 का है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कह सकते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेस है ये इसका। अगर ये भी टूट जाएगा तो फिर तो आपको शेयर में फिर से 18 या फिर 20 के नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। बट ये अगर हिट नहीं होंगे और देखिए जो इंपॉर्टेंट ऊपर के हैं जो इंपॉर्टेंट ये जोन है 31.90 या 32 का, 32 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर जैसे मैंने आपको कहा है तेज़ी श्योरिटी से होगी, 100% होगी, 32 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है शेयर तो। और यहाँ पे देखिए जो रेजिस्टेंस है इंपॉर्टेंट 36.72, 34 और 32 ये भी अगर क्रॉस हो जाएंगे तो फिर तो शेयर में आपको कुछ कहने की बात ही नहीं है, काफ़ी अच्छी तेज़ी होगी और फिर से 40 के ऊपर जाएगा। देखिए भेल के पास आप कह सकते हैं काफ़ी लैंड है जिसको अभी मोनेटाइज नहीं कर रहे हैं वो, अगर वो करेंगे तो देखिए फिर से शेयर में आपको तेज़ी ज़रूर देखने को मिलेगी। BHEL के पास देखिए ऑर्डर बुक में ऑर्डर अभी देखिए पेंडिंग बहुत है, इनके पास देखिए अगर अभी रिजल्ट आए थे वो भी काफ़ी ख़राब आए, तो देखिए अभी थोड़ा सा आप कह सकते हैं इसका दिन ख़राब चल रहे हैं BHEL के। देखिए अच्छे होंगे
जब देखिए जब ये पूरा अपन लॉकडाउन से बाहर आ जाएंगे। लेकिन देखिए अब देखिए अगर हमें लगता है इसके जो रिजल्ट्स होंगे इस बार के थोड़े से अच्छे होंगे एज़ कम्पेयर टू लास्ट, जो आप कह सकते हैं देखिए जो Q4 और Q1 था वो तो काफ़ी ख़राब आए हैं, बट देखिए जो अब आएंगे रिजल्ट उसमें थोड़ा सा आप कह सकते हैं उम्मीद होगी। तो यहाँ पर मुझे लगता है यहाँ पर बाय कर सकते हैं आप शेयर को जब मंडे को, अभी नहीं। तो दोस्तों वीडियो में इतना था, और वीडियो में एंड करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ आपको। दोस्तों हम Dream11 एक कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, आप चाहो तो यहाँ पे ऐड हो सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होता है दोस्तों, काफ़ी आपको मज़ा आएगा, मज़े की गारंटी मेरी, आपको फुल एंटरटेनमेंट होगा वहाँ पे। आप टीम बनाइए, अपनी टीम बनाइए और पैसे जीतिए। सिर्फ 30 रुपये एंट्री फीस होगी, 30 रुपये दोस्तों बहुत मामूली है। आप चाहें तो ऐड हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम की। देखिए अगर लिंक ना खुले तो देखिए यूज़र नेम डाल के भी आप ओपन कर सकते हैं। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।